द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ अ हॉस्पिटल सिस्टम। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो हॉस्पिटल सिस्टम का इंडिकेटर नहीं कंसिडर करते? तो फर्स्ट ऑप्शन पेशेंट सेटिस्फैक्शन, सेकेंड पब्लिक रिलेशंस, थर्ड मशीनरीज एंड लास्ट क्वालिटी ऑफ केयर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मशीनरीज। मशीनरीज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम हॉस्पिटल सिस्टम के लिए कंसिडर नहीं करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल वेरिएबल आर ऑल्सो नोन एज। नॉमिनल वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनल वेरिएबल, कैटेगरिकल वेरिएबल, डिक्रेट वेरिएबल, डिस्क्रेट वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैटेगरिकल वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वेरिएबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, थेरोटिकल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें पूछा है साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो साइंस में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट है जो ट्रांसमिशन करता है साउंड वाइब्रेशंस का? तो फर्स्ट है ऑरिकल, सेकंड टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, थर्ड वेस्टिबुल एंड लास्ट यूस्टाशियन ट्यूब। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू इंटरनल ईयर। The next question, which one of the following is the function of liver? Function of liver कौन सा है? Synthesis of plasma protein, elimination of carbohydrates, concentration of bile and last secretion of cholecystokinin. And correct option is option number A, synthesis of plasma protein. ये किसका function है? Liver का function है। Then next question, what is cardinal sign of meningitis? Meningitis में cardinal sign क्या है? First Trousseau's sign, second Kerning sign, third Ottolani sign and last Chicksteak sign. And correct option is option number B, Kerning sign. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे आरआरबी स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का। कल हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे, आज हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल सॉल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ। बाइल सॉल्ट किसके डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑप्शन फैट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड लास्ट आयरन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फैट। बाइल सॉल्ट क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है हमारे बॉडी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन कौन सा है? पहले तो रिकेट्स होता क्या है? रिकेट्स होता है विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से, जिसमें बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अर्लीस्ट साइन कौन सा है रिकेट्स का। तो फर्स्ट है हैरिसन्स ग्रू, सेकंड क्रैनियोटेप्स,
थर्ड बोलेक एंड लास्ट रिकेट रॉसरी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी क्रैनियो टोप्स. रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन है क्रैनियो टोप्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज. क्या पूछा गया है, ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें क्या होता है रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, तो उसे क्या कहेंगे. लॉस है मींस कम हो रहा है बॉडी में से, तो हम उसे हाइपो बोल सकते हैं. और ऑप्शन में हाइपो किसके आगे लगा है, होलेमिक शॉक के, तो हाइपोवोलेमिक शॉक इज द करेक्ट आंसर. हाइपोवोलेमिक शॉक इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑल्सो कॉल्ड एज. फर्स्ट ऑप्शन स्लैग, सेकेंड एफर्ट, थर्ड ड्रैग एंड लास्ट कोर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ड्रैग. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो फ्लूइड एग्जर्ट करते हैं उसे कहते हैं ड्रैग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द ओल्डर अडल्ट इज. ओल्डर अडल्ट में जो मेमोरी डिसऑर्डर होता है वो कौन सा है. फर्स्ट इंसोमनिया, सेकेंड डिस्ट्रॉफी, थर्ड डिस्पनिया एंड लास्ट डिमेंशिया. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी डिमेंशिया. डिमेंशिया जो है वो ओल्डर अडल्ट के मेमोरी डिसऑर्डर, ओल्डर अडल्ट में पाया जाने वाला मेमोरी डिसऑर्डर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉज ऑफ एनोरिया. एनोरिया का कॉज क्या है. फर्स्ट ऑप्शन अपेंडिसाइटिस, सेकेंड गैस्ट्राइटिस एंड थर्ड पायरेक्सिया एंड लास्ट रेनल फेल्यूर. एनोरिया किसकी वजह से होता है. ऑप्शन नंबर डी रेनल की वजह से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय. मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड्स है वो किसने पब्लिश किए थे. तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, सेकेंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, थर्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड लास्ट ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में. APA इसको शॉर्ट फॉर्म में भी मेंशन किया जाता है बुक्स में, अगर आप देखोगे तो किसी भी डेफिनेशन के नीचे दिया गया रहता है कि ये डेफिनेशन APA ने पब्लिश की है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट. हम पल्मनरी जो एम्बोलिज्म है वो प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इफ़ेक्टिव अप्रोच कर सकते हैं. तो पल्मनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, एयर बबल हमारे ब्लड वेसल में फ्लो होते हैं. तो फर्स्ट है हार्ट डिसीज़, सेकेंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थर्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एंड लास्ट डायबिटिक मेलाइटिस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर्स ऑर्डर स्टेट दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 100
cc of fluid for 8 hours and the IV set delivers 20 GTTS per cc. इसमें पूछा गया है हमें कि ड्रॉप्स पर मिनट कितने जाने वाले हैं पेशेंट को. जब डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है कि क्लाइंट को 100 सीसी रिसीव करना है फॉर द 8 आवर्स एंड आईवी सेट जो है वो कैसे डिलीवर करेगा 20 GTTS पर सीसी, तो ड्रॉप रेट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ. तो ड्रॉप रेट का फॉर्मूला है ड्रॉप रेट इज़ इक्वल टू ड्रॉप फैक्टर इनटू वॉल्यूम अपॉन से टाइम मीन 60 आवर्स एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 42 GTTS. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय अ नर्स. अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी, सेकेंड हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, थर्ड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एंड लास्ट जॉब सेटिस्फैक्शन थ्योरी एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी. ये जो थ्योरी है वो नर्स ने डेवलप की है.